जस्टिस ट्रूडो ने क्यूबेक ऑन्टेरियो अल्बर्टा में कोविड हॉटस्पॉट के लिए वफाकी मदद का वादा किया है। वजीर आजम जस्टिस ट्रूडो ने आज उभरने वाली कोविड 19 हॉटस्पॉट में मुकामी सेहत आमा के यूनिटों के लिए मजीद तावुन का वादा किया है। ट्रूडो ने नामा निगारों को बताया कि हुकूमत ने अल्बर्टा, ऑन्टेरियो और क्यूबेक के साथ मुहिदों पर दस्तखत किए हैं ताकि वो वफाकी ब्यूरोक्रेट्स को इनके सूबों की मदद के लिए फरहम कर सकें जो इनके राबते की निशानदही कर सकते हैं। राबता टाइसर ने इन लोगों से गुजारिश करते हुए कहा कि जिन्हें खुद से अलग थलग होने का सामना करना पड़ रहा है या मजीद फैलाव से बचने के लिए टेस्ट लिया जा सकता है, लेकिन खतरे से दो चार लोगों से राबता करने में ताखीर से उनके काम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सूबाई माहिदे की निशानदही करने की कोशिशों पर मामूर बेशतर वफाकी मुलाजमीन को शुमारिया कैनेडा से वापस बुलाया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से सैकड़ों असातिज़ा को जाती हैसियत से वर्चुअल स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। नोवा स्कॉटिया के वजीर आजम का कहना है कि अटलांटिक बबल किसी भी वक्त खुल जाएगा। मंगल की शाम अहले खाना को खत भेजते हुए उन्होंने कहा कि एसबी ने ऐलान किया है कि 324 इब्तदाई स्कूलों में कुछ जाती असातिज़ा कोरोना में मुब्तला हुए हैं, इन्हें वर्चुअल क्लासेस रोजमर्रा में मुंतकिल कर दिया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि इन्होंने नुमाया तादाद तुलबा यानी 67 से ज्यादा बच्चों को जो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनकी मदद के लिए तंजीम नौ का ऐलान किया है। 324 स्कूलों में से कुछ असातिज़ा इससे महरूम रह जाएंगे जबकि दीगर एक या दो से महरूम होंगे। असातिज़ा के वक्त ज़ाया होने के नतीजे में कुछ तलबा को ज़ाती नौयत की क्लासों में तालीम हासिल के बाद स्कूल शुरू करने के सिर्फ 3 हफ्तों बाद मुख्तलिफ असातिज़ा के साथ मुख्तलिफ क्लासेस रूम्स में जाना पड़ सकता है। नवाज शरीफ पर मुकदमे के मामले पर वजीर आजम और वुज़रा के दरमियान इख्तलाफ। वफाकी काबीना साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत के मुकदमे के मामले पर तकसीम होगी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में नवाज शरीफ समेत नून लीगी अराकीन के खिलाफ FIR का मामला भी ज़ेर बहस आया। ज़राए ने बताया कि वजीर आजम ने कहा कि गद्दारी की FIR से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत सियासी इंतकाम के हक में नहीं। ज़राए के मुताबिक 3 अराकीन ने FIR को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मशवरा दिया है जबकि इन अफराद में 2 वफाकी वुज़रा और 1 मामून खुसूसी शामिल हैं जिन्होंने FIR की हिमायत की। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम समेत दीगर वुज़रा नवाज शरीफ के खिलाफ FIR के मुखालिफ हैं और वुज़रा की राय है कि गद्दारी से मुतालिक FIR खत्म होनी चाहिए। ऑयल कॉर्नर मैक डेविड के मुताबिक कोरोना वायरस के नए 9 केसेस की तस्दीक हुई है जिसकी वजह से ट्रंप ने अस्पताल छोड़कर व्हाइट हाउस वापस लौट गए। ट्रंप ने अस्पताल से वापसी पर मास्क पहन रखा था लेकिन व्हाइट हाउस पहुंचने पर मास्क उतार दिया था और सलूट किया। ट्रंप ने कहा कि कोरोना को अपनी जिंदगी पर हावी होने ना दें, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, अमरीकी शहरी कोरोना का शिकार है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ एहतियात करें, घरों से बाहर आए। अमरीकी सदर का कहना था कि हमारे पास कोरोना की बेहतर दवा है और वैक्सीन भी जल्द आ रही है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें फ्लोराइड से वेस्ट वर्जीनिया तक डेमोक्रेट्स पर 2.1 की बढ़तरी हासिल है और वो किसी भी सूरत इलेक्शन जीतेंगे। व्हाइट हाउस के डॉक्टर्स का कहना है कि ट्रंप व्हाइट हाउस में भी डॉक्टर की जेरे निगरानी रहेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लाहक खतरा अभी मुकम्मल टला नहीं है। डीसी ग्रीन की इंतखाबी तजावीज में 4 दिन काम होगा और बाकी दिन बच्चों की मुफ्त देखभाल की जाएगी। कोलंबिया की ग्रीन पार्टी 3 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुफ्त बच्चों की देखभाल और 3 और 4 साल बच्चों के लिए इब्तदाई बचपन की मुफ्त तालीम देना चाहती है। इंतखाबी मुहिम चलाते हुए ग्रीन पार्टी की रहनुमा सोनिया फ्रिस्टो का कहना था कि इनके इस मंसूबे में महाना $350 लगेंगे। वालदैन के घर में रहने की माली अनाज भी होगी। वो कहती हैं कि किसी बच्चे की देखभाल करने के लिए एक हकीकी मुलाजमत के तौर पर पहचानने की जरूरत है जो काम के मुकाम पर वक्त के हिसाब से शुमार होता है। सोनिया का कहना था कि बीसी में कमसन बच्चों के साथ वालदैन और घरेलू आमदनी में इस्तेहकाम आने पर जबरदस्त दबाव का सामना करना पड़ रहा है। डेफ मैकमेल ने कहा है कि मरकजी बैंक मईशियत के लिए अपनी वबाई बीमारी का शिकार है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड कहा है, क्योंकि हमारे दौर के सबसे बड़े माशी बहरान के दरमियान बैंक ऑफ कनाडा डूबा हुआ है। इनका कहना है कि वो अपनी पॉलिसी को बुनियाद बनाकर रखने के लिए हर वक्त एक बात जहन में रखते हैं, रहनुमाई रोशनी का होना जो बहरान की धुंध की लपेट में आ जाता है और फैसला साजों को भी अपनी मंजिल की नजर से महरूम करने से रोकता है, खास तौर पर जब वबाई मईशियत में और मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मरकजी बैंक के लिए इसका मतलब ये है कि मालियाती मंडियों को सेहतमंद रखने के लिए पैसा जारी रखना और बिला आखिर माशी सरगर्मियों को अपने मामूल की तरफ
तरफ धकेलना जैसे तमाम वक्फे खींचना है जो वबाई अमराज की वजह से है। लेकिन कैनेडा की मईशत की पायदारी बहाली के लिए बैंक ऑफ कैनेडा से माली पॉलिसी के अहदेदारों और महकमा खजाने के साथ मुतवाजी काम करने की जरूरत है जो अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाली ताकत को इन लोगों की मदद का निशाना बना सकता है। कैनेडा की फौज ने सफों में 24 कोविड केसों की इत्तला दे दी। कैनेडा की फौज में कोविड 19 इन्फेक्शन के फैलाव के बारे में मालूमात दी जाएगी। आज से जारी होने वाले एक फौजी बयान में कहा गया कि वबाई अमराज के आगाज के बाद से ही अंदरून और बैरून मुल्क पूरी मुसल्ह अफवाज में 222 मुजबित वाकयात सामने आए हैं। फौज का कहना है कि इनमें से 24 मुकदमात को फाल समझा जाता है जबकि बाकी मामला हल हो गए हैं। आज तक फौज ओंटेरियो और क्यूबिक में तवील मुद्दती निगाश वाले घरों में फौज की तैनाती से मुतालिक सिर्फ मिशन से मुतालिक आदादो शुमार पेश करते हुए सफों में इन्फेक्शन की शरह के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात जारी करने से गुरेजा है। फौजी वसी शॉर्ट जारी करने का फैसला जिसको बनाने में कई हफ्तों हो चुके हैं। इसी तरह अमरीका में मीडिया के जराये इब्लाग की खबरें आ रही हैं कि आला अमरीकी जनरल ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिले और पेंटागन के मुताबिक दीगर मेंबरान सीनियर लीडरशिप कोरोना वायरस का शिकार है। एक आला अमरीकी फौजी अफसर का कोरोना टेस्ट मुस्बित आने पर अमरीकी फौज के सर्विसेज चीफ समेत पेंटागन के आला अस्करी क्यादत करंटीना में चली गई। एक आला अमरीकी फौजी अफसर का कोरोना टेस्ट मुस्बित आने पर अमरीकी फौज के सर्विसेज चीफ समेत पेंटागन की आला अस्करी क्यादत करंटीना में चली गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक वॉइस कमांडर US कोस्ट गार्ड एडमिरल चार्ल्स रे में कोरोना की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद अमरीकी फौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल माइक मिली करंटीना में चली गई। हुकाम के मुताबिक जनरल माइक मिली के अलावा पेंटागन के दीगर आला अहदेदार भी खुद साख्ता तन्हाई में चले गए हैं। पेंटागन के मुताबिक तमाम अहदेदार करंटीना में ही रहते हुए अपनी खिदमत अंजाम देंगे। समाजी रब्तों की वेबसाइट फेसबुक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना से मुतालिक पोस्ट हटा दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पोस्ट में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लू को कोरोना से ज्यादा खतरनाक कहा था। इस हवाले से फेसबुक के तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी सदर की पोस्ट कोरोना से मुतालिक गलत मालूमात देने पर हटाई गई। अमरीकी सदर की पोस्ट से कंपनी के गलत मालूमात देने के कवानीन के खिलाफ वर्जी हुई। इसके अलावा ट्विटर ने भी सदर ट्रंप के कोरोना से मुतालिक ट्वीट को गलत मालूमात वाले ट्वीट्स में डाल दिया। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप का कहना था कि बहुत से लोग हर साल फ्लू के बायस मर जाते हैं और वैक्सीन होने के बावजूद कभी कभार फ्लू से 1 लाख से ज्यादा अमवात भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कभी मुल्क बंद नहीं किया गया बल्कि लोगों ने इसके साथ रहना सीखा, जैसे कि अब हम कोरोना के साथ रहना सीख रहे हैं जो ज्यादातर आबादियों में फ्लू से कम खतरनाक रहा है। सिंगापुर की हुकूमत ने पैदाइश को फरोग देने के लिए आलमी वबा कोरोना वायरस के दौरान बच्चे पैदा करने पर बोनस की पेशकश कर दी। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जहां पैदाइश की शरह पूरी दुनिया में कम से कम है और हुकूमत कई दहाइयों से इसे फरोग देने के लिए कोशिश कर रही है। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगारी और माली मुश्किलात के पेश नजर वो शहरी जो वालदैन बनने के ख्वाहिशमंद है, वबा की वजह से उन्होंने ये फैसला तर्क कर दिया था। यही वजह है कि सिंगापुर की हुकूमत ने पैदाइश को फरोग देने के लिए वबा के दौरान बच्चे पैदा करने पर बोनस की पेशकश की है। सिंगापुर के नायब वजीर आजम हेंग सेविकेट ने कहा है कि हमें मालूम हुआ है कि कोविड-19 के वजह से कुछ वालदैन बनने के ख्वाहिशमंद लोगों ने इस फैसले को मुलतवी कर दिया है। यही वजह है कि अब हमने बोनस की पेशकश की है।